प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन का जीवन कठिनाइयों से भरा था और वह हमेशा दूसरों की मदद की उम्मीद करता था। उसका मानना था कि उसकी समस्याओं का समाधान केवल बाहर से ही हो सकता है। वह अपने दोस्तों और परिवार से उम्मीद करता था कि वे उसकी मुश्किलों को समझें और उसे सहारा दें। लेकिन समय के साथ आर्यन को एहसास हुआ कि उसके आसपास के लोग उसकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे। यह स्थिति उसे निराशा और हताशा की ओर धकेलने लगी। एक दिन आर्यन ने सुना कि पास के जंगल में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु बुद्ध प्रवचन देने आए हैं। उन्होंने सुना कि बुद्ध अपने अनुयायियों को आत्मनिर्भरता और आत्म सुधार के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। आर्यन ने सोचा कि शायद बुद्ध के उपदेश सुनकर वह अपने जीवन की कठिनाइयों का समाधान पा सकेगा। वह तुरंत जंगल की ओर चल पड़ा। जब आर्यन जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और उनके चारों ओर अनुयायियों का एक समूह है। बुद्ध शांत और ध्यानमग्न मुद्रा में थे। आर्यन उनके पास गया और उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया। उसने कहा, भगवान बुद्ध, मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा है और मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपना नहीं है जो मेरी मदद करे। मैं बहुत निराश हूं और मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। बुद्ध ने ध्यानपूर्वक आर्यन की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यह दुनिया मायावी है और इसमें किसी को अपना मान लेना स्वयं को धोखा देने जैसा है। सत्य यह है कि जब तक हम खुद को नहीं बदलते, तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। आत्मनिर्भरता और आत्म सुधार ही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाएगा। आर्यन ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और पूछा, भगवान, मैं खुद को कैसे बदल सकता हूं? मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें सबसे पहले अपनी अपेक्षाओं को छोड़ना होगा। यह समझो कि यह दुनिया तुम्हारे अनुसार नहीं चलेगी। जब तुम अपनी अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारे मन की अशांति भी दूर हो जाएगी। ध्यान और साधना के माध्यम से अपने भीतर की शांति को खोजो, अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें दूर करने का प्रयास करो। आर्यन ने बुद्ध की सलाह मानी और ध्यान और साधना की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने अपनी अपेक्षाओं को कम करना शुरू कर दिया और अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जब वह खुद को बदलने की दिशा में प्रयास करता है तो उसकी समस्याएं भी हल होने लगती हैं। वह अधिक आत्मनिर्भर और संतुलित हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची शांति और संतोष हमारे भीतर ही है। जब हम अपनी अपेक्षाओं को छोड़कर खुद को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हमें जीवन की कठिनाइयों का समाधान मिल जाता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत हमें आत्मनिर्भरता और आत्म सुधार की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए जब भी हमें लगे कि कोई अपना नहीं है, तब हमें आत्म मंथन करना चाहिए और खुद को बदलने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्ची शांति और सफलता का मार्ग है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी गौतम बुद्ध के महत्वपूर्ण जीवन पाठ पर आधारित। याद रखें, आपके विचार आपकी वास्तविकता को बनाते हैं। सकारात्मक सोचें और अपने जीवन को खुशियों से भरें। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल लाइफ कंपेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।